आई डोंट बिलीव इट, तेरी शादी हो रही है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था प्रिया, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। पर कैसा है वो? Let me guess, he must be tall and dark and to complete the whole picture, he has to be handsome too. Please Priya, please. मुझे उसे शोकेस में नहीं रखना है, अपना हस्बैंड बनाना है प्रिया। तो कैसा है तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग? मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरा प्रिंस चार्मिंग रईस है, सीए है। प्रिया उसका घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके घर को समझते समझते मुझे एक साल लग जाएगा। गुड, सास को अवॉइड करने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया। किसकी सासू माँ? प्रिया उसकी मॉम ना बचपन में ही यू मीन नो सासू माँ? नो सासू माँ, नो खिटखिट, नो झगड़े एंड नो तूतू मैं। I am so happy for you. I'm okay. Congratulations, Mr. Sao. Thanks a lot. Thanks. बहुत नसीब वाले हो आप। काफी खूबसूरत हैं। आपने खाना खाया? काश असल में इतनी जिंदा होती तो अपनी सुंदर वो की नजर उतार देती। देखो इनका नेकलेस तो देखो कितना खूबसूरत है, कम से कम 10 तोले का होगा, बहुत सुंदर है। Excuse us, please. Thank you very much. Nutan, चल कर घर देख ले। आइए भाभी आइए। आओ नूतन। ये माँ का कमरा हुआ करता था, मगर अब यहाँ कोई नहीं रहता। बस अब उनकी यादें भर हैं। क्या हुआ? ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये माँ की तस्वीर। आइए भाभी, अब आपको आपका कमरा दिखाते हैं। भाभी क्या हुआ? आइए ना आपका रूम देखते हैं। चलिए देर कर दी बहू आने में। अरे अरे, ये तो भागी चली आ रही है। अरे समित की बीवी तो कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही है। अभी नहीं, समित 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 वो समित ओ अच्छा तो सोने क्या है भाई, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। भाभी 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 प्लीज 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 हम भी नहीं सोएंगे। अरे हम भी नहीं सोएंगे, सुबह के थके हुए हैं। सलामत हो भाई, गुड नाइट, गॉड इन हेवंस। हाँ तो मैडम कहिए, क्या कह रही थी आप? समित यहाँ पर कोई, अब कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं, सच।
समीत, समीत उठ जाओ ना, देखो सुबह हो गई, गैरब गैरब उठो उठो उठो, उठ जाओ, उठो ना समीत, समीत उठो, अरे उठ जाओ ना, अभी सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, बैठो ना, बैठो बेटा। ये है काकी, सालों से इस घर की देखरेख कर रही है। इनकी मां के बाद समीत और रूही का ख्याल इन्होंने ही रखा। काकी ये नूतन है, इस घर की बहू। हाँ हूँ। काकी कुछ सैंडविचेस ले आ। हाँ लाती हूँ। नूतन, इस घर में किसी चीज की जरूरत हो तो बेशक कहना। जी। इसकी माँ अगर आज जिंदा होती तो कितने प्यार से तुम्हारा स्वागत करती। सुन तो रही है ना? हाँ, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। वैसे भाभी, आपको खाने में क्या पसंद है? आप जो चाहेंगी आज वो ही बनेगा, क्यों भैया? बड़ा प्यार आ रहा रूही को तुम पर। बताओ क्या खाना पसंद करोगे? वैसे तो कटहल का सीजन है और मुझे भी कटहल पसंद है, तो क्यों ना कटहल की सब्जी बनाई जाए। नहीं, इस घर में कोई भी कटहल का नाम नहीं लेता। क्यों बाबूजी? क्योंकि इनकी माँ को कटहल से सख्त नफरत थी। I'm sorry बाबूजी। Sorry। वैसे भाभी, आपको पनीर और कोफ्ते की सब्जी अच्छी लगती है? हाँ हाँ। Very good। आज घर में वो ही बनेगा। क्या हुआ? अरे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पहले कोई बैठा हुआ था। तो तुम ही वहाँ बैठी थी, और कौन बैठा वहाँ? समित, मैं नहीं, कोई और, कोई और बैठा था। मैं जब बैठने गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के घर में बैठी। समित, समित, क्या तुम्हें इस घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है? भाई वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी गुड न्यूज। समित, मैं अगर तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा, कहो। समित, कल रात मैंने तुम्हारी माँ को देखा। क्या मतलब? समीत, मैं सच कह रही हूँ। जस्ट शट अप नूतन, तुम्हें पता है वो नहीं है। लेकिन समीत, वो भूत तो हो सकती है ना? और जस्ट समीत, क्या बकवास कर रही हो ये सब? भूत? मेरी माँ? ये बुरा बातें करोगे तो बाहर लोग क्या कहेंगे समझती हो? <laughs>
नूतन, I'm sorry. देखो नूतन, मैं यू नो इस तरह की बात पे कोई भी चिढ़ जाएगा यार. ये भूत भूत एंड ऑल दैट सब क्या है? देखो मैं समझता हूँ, नई नई शादी है, नए लोग, नया घर, इट्स क्वाइट स्ट्रेसफुल. आई अंडरस्टैंड दैट. तुम एक काम क्यों नहीं करती, और फिलहाल तुम आज कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे चले जाओ. ट्रस्ट मी, यू गोना फील बेटर. अब जस्ट अ मोमेंट. यू नो मेरे बॉस ने हमारी शादी के लिए एक बहुत प्यारा तोहफा दिया है. अ गिफ्ट वाउचर किसी बहुत बड़े डायमंड शोरूम का है. तुम आज वहाँ चले जाओ, शॉपिंग कराओ, यू लाइक इट. आज शाम जब हम लौटेंगे तो बहुत अच्छी ड्राइव पे जाएंगे, फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्राइव. सच? पक्का. ठीक है, बाय बाय. यश कहाँ गया? फ्री है? तुझे कुछ बताना है? नहीं प्रिया, फोन पर नहीं, मिलने पर बताऊंगी. नहीं नहीं प्रिया, वो मेरी सास है ना. प्रिया मेरी सास इसी घर में है. प्रिया मैंने उसे देखा है, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है. मैंने उसे कई बार देखा है. प्रिया, वो मेरे पीछे खड़ी है. सास तो माँ जैसी होती है. प्रिया, प्रिया तूने सुना? उन्होंने मुझसे अभी अभी बात की. प्रिया कुछ बोलो ना. सास तो माँ जैसी होती है. सास की इज्जत करना बहू का कर्तव्य होता है. सास की इज्जत करना बहू का कर्तव्य होता है. जो बहू अपनी सास की इज्जत नहीं करती उसे जीने का कोई हक नहीं. एक सास ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया. शुक्र करो तुम्हारी सास ऐसी नहीं है. क्या मैं आपकी मदद करूं? मदद? जल्दी से मुक्ति दिला दो, इतनी मदद करो. सालों से इंतजार कर रही हूं अपनी बहू का. मुझे मुक्ति दिलाओगी? चिल्लाओ मत, तुम्हारा भी वक्त आ ही जाएगा. जल्दी से एक बेटा होने दो, वरना आत्मा ही रहोगी, मुक्ति नहीं मिलेगी.
जैसे ही तुम मर जाओगी मेरी जगह ले लोगी। आजा बेटी, जल्दी आजा, ताकि मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिले। क्या हुआ बहू, इतनी हैरान क्यों है? मैंने आज तक किसी की मदद नहीं ली तो आज क्यों लूं? नूतन, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, पर यूँ रोते रहने से तो अच्छा है कि हम इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन ढूंढ निकाले। प्रिया, मुझे मेरी सास ने मारने की धमकी दी है। मैं जानती हूँ कि ये बात पागलों वाली है, इस पर यकीन नहीं हो सकता, लेकिन यही सच है प्रिया, मेरा यकीन करो। अगर तुझे लगता है कि ये तेरा वहम नहीं है और सच में तेरी सासू माँ तुझे तंग कर रही है, तो एक काम करते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। प्रिया, तू मेरी मदद करना चाहती है या मेरी मातम की तैयारी? तो एक काम कर, घर में काली बिल्ली पाल ले। मैंने सुना है कि आत्माएं काली बिल्लियों से सख्त नफरत करती है। और समीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो घर छोड़ के चला जाएगा। तो कुछ एक ऐसी चीज ढूंढ निकाल, कुछ भी जिससे तेरी सास सख्त नफरत करती है, और उस चीज को घर के कोने कोने पे बिछा दे। इनकी माँ को कटहल से सख्त नफरत थी। You said it, प्रिया। Thanks। ए, कहाँ चले? मुझे ज्वेलरी शोरूम जाना है। चलोगे? नहीं नहीं, तू चल। Okay, see you then। Bye। Bye। अपना ख्याल रखना बहुरानी।
चिट्ठी। ये हार परिवार की कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और मैं ये परंपरा नहीं तोड़ना चाहती। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हमारी तहकीकात जारी है और हमें उस चोर के फिंगरप्रिंट्स बरामद हो चुके हैं और वो चोर बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? क्या बात है बहू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं तुम्हें कह रही थी ना समित, वो जिंदा है, वो जिंदा है समित। क्या बकवास है, तुम्हें यकीन नहीं आता? तो ये देखो, ये सबूत, ये चिट्ठी जो तुम्हारी माँ ने मुझे लिखी है। रविश, पढ़ो इसे। ये तो कोरा पन्ना है। तो ये देखिए, इस परिवार का खानदानी हीरोकार। क्या बातें कर रही हो ये? क्यों, अब तो सबूत आपके सामने है ना, मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, चोरी की तहकीकात जारी है, पुलिस को फिंगरप्रिंट्स भी बरामद हुए हैं। गिलानी डायमंड शोरूम से चुराया गया ये हीरो का हार लगभग आधे करोड़ का है। फिंगरप्रिंट्स के सहारे ये उम्मीद है कि जल्द ही चोर सलाखों के पीछे होगा। मदन, तुम आज इसी शोरूम में शॉपिंग करने गई थी? समित, लेकिन ये हार मैंने नहीं चुराया, ये तो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया है। घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हीरो जैसी खूबसूरत चीज देखकर किसी के भी पैर डगमगा सकते हैं, लेकिन चोरी ये तो बहुत बड़ा पाप है, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन सिर्फ दो मौके और, जैसे ही तुम्हारे हाथ से तीसरी गलती होगी तुम्हें उसकी कीमत फौरन चुकानी होगी अपनी मौत के साथ। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, सब कुछ तुमने किया है, तुमने मुझे फंसाया है। साबित करो। साबित? मैं कैसे साबित करूं? बता, ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? I'm talking to you, damn it! ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? Can you explain this? मैं वैशाली, जी न्यूज, मुंबई। सब क्या हो रहा है? मैं वो कटल डाल रही थी। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो? नहीं समीर,
नहीं बाबूजी, मैं तुम चाहती हो सबको तो पहुंचे। नहीं, खासकर मेरी माँ को। नहीं समित, तुम मेरी बात सुनो। कम आउट, माँ के कमरे में फेंक रही थी क्या? कैसी घटिया औरत हो तुम समित। बिलीव मी, डैम आई बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू एट ऑल। और याद रखना, आज के बाद कोई तुम्हें इस घर में माफ नहीं करने वाला, समझी? समित, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो समित। अब मुक्ति का द्वार खुलने में सिर्फ एक गलती बाकी है। हे प्रभु, तुम्हारी दुनिया में इतने पाप होते रहते हैं, एक गलती क्या चीज है? जल्दी बुला दे। समित, समित कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, कलकत्ता जा रहा हूँ। कलकत्ता? हाँ, एक अर्जेंट कॉल आया था, बस एक ही दिन की बात है। तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बैठ जाओ बैग में, आ जाओ। समित प्लीज, मुझे भी ले चलो ना, एक दिन की तो बात है। एग्जैक्टली, एक ही दिन की तो बात है। अगर तुम नहीं ले जाते तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं ऐसे करती हूँ, मैं मम्मी के घर हो आती हूँ। एक्सक्यूज मी, परसों हम लोग हनीमून जा रहे हैं, राइट? कौन करेगा तैयारी उसकी? मैं करूँगा। और वैसे भी इस घर में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? डैड है, रूही है, तुम अकेली तो हो नहीं? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम ही सिली, कम ऑन नूतन, बी रियलिस्टिक। तुम्हें इस वक्त ये मजाक लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में पछताओ। इसलिए समित, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। समित, मुझे एक बच्चा चाहिए। लेकिन उससे बहुत पहले तुम्हें एक साइकाइट्रिस्ट चाहिए। You don't understand, समित। I don't want to. समित, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो? क्या तो? अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ, एक बेटा नहीं हुआ, तो मैं बहू कहाँ से लाऊंगी? और अगर मुझे बहू नहीं मिली तो समित, मेरी आत्मा इस घर में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। How bizarre can somebody get? I mean... देखो नूतन, मैं कल जैसे ही कलकत्ता से वापस आता हूँ, द फर्स्ट थिंग वी डू, हम डॉक्टर बजाज के पास जाएंगे। Whether you like it or not. नहीं समित। Alright, now listen, I have flight to catch. Please, take care. I'll see you tomorrow. Bye-bye. समित, bye. समित, मैं बात सुनो ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ समित। समित, ये सच है सब। समित। या मुझे मत। समित, रुक जाओ ना, प्लीज। या मुझे मत। समित, मेरी बात सुनो। मैं निकल चुका। समित, वो मुझे मार डालेगी। समित, मेरी बात सुनो। जाओ ना समित। समित, वो मुझे मार डालेगी। समित, मत जाओ। समित, मेरी बात सुनो। रही हो यहाँ पर? बाबूजी, मैं चलो यहाँ से, और दोबारा यहाँ मत आना। पर क्यों बाबूजी?
सवाल मत करो और चलो अंदर। जी बाबूजी ने मुझे वहां जाने से मना क्यों किया जबकि काकी तो बार बार उस टंकी के पास जाती है। तू यहां पर? मैंने सोचा आप अकेली हैं, तो आपको कंपनी दे दूं। रूही क्या तू कभी उस टंकी के पास गई है? आप वहां पर गई थी? हाँ। वहां कभी मत जाना। हम में से कोई भी वहां कभी नहीं जाता। पर क्यों? क्योंकि उस टंकी में गिरकर इस घर की सारी बहुओं की मौत हुई है। क्या? मेरी भी। अरे तुम तो नाराज हो गई। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। मेरी सास भी मुझे यही लोरी सुनाती थी। कितनी प्यारी सास थी, कितने प्यार से उन्होंने मुझे अपनी मौत की तरफ खींचा। अरे जब मैं डूब रही थी तब मेरी चीख तो किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? क्या हुआ बेटी? वो क्या हुआ भाभी? आर यू ओके? अगर डर लग रहा है तो मैं आपके साथ सो जाऊं? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। सब ठीक है ना? जी बाबूजी। कोशिश कर रही थी, चौंको मत, यहाँ सभी ने ऐसा ही किया था। लेकिन काकी, काकी आप मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ रह के मरना नहीं चाहती। काकी काकी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके पैर पर थी। काकी काकी मुझे भाग जाने दो दूर से। सिर्फ एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें इस घर के लिए एक नई बहू ढूंढ के लानी होगी। एक क्या? मैं 10 ला दूंगी। लेकिन काकी प्लीज प्लीज मुझे बचा दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए काकी प्लीज। सिर्फ एक मिनट रुको, मैं टंकी का ढक्कन खुला छोड़ के आई हूँ, उसे बंद कर देती हूँ। भागने की कोशिश नहीं करना। नहीं नहीं, काकी, 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 काकी
वक्त आ गया। घर से भागने की गलती करके तुमने तीसरा मौका भी गवा दिया। नहीं, नहीं। अब तुम्हारे लिए एक ही जगह है। नहीं सासु, मुझे मत मारिए सासु माँ, प्लीज प्लीज। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपकी बहू हूँ ना, प्लीज मत 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 मारिए मुझे, मत। नहीं नहीं सासु माँ। हेलो, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? देख देख और सपने देख, पर पहले अपने सपनों के राजकुमार से जाके मिलके तो आ। सपनों का राजकुमार? हाँ, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। प्रिया प्रिया, मेरी शादी नहीं हुई है। इडियट, और सपना मत देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आ रही हूँ। वो सब कुछ सपना था। थैंक गॉड, ये वो लड़का नहीं है। क्या नाम था उसका? समित। आओ बेटा। ये मेरी बेटी है नूतन। नमस्ते। माधव, आप नूतन के साथ बात करना चाहेंगे? मैं आपसे कुछ पूछूं? जरूर। आपकी मम्मी नहीं आई? वो इस दुनिया में नहीं है।